यह फोर्थ माइंड बूस्टर क्वेश्चन जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एज ए चैलेंज दिया था तो चलिए मैं आपको जल्दी से इसका सॉल्यूशन बताता हूं क्वेश्चन था अपने पास ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन था पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ आर बाई थ्री फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ एन अनचार्ज कंडक्टिंग हॉलोस्फेयर ऑफ इनर रेडियस आर एंड आउटर रेडियस थ्री आर अच्छा दो, दोनों का रेडियस अलग अलग है इनर वाले का रेडियस कितना है आर और बाहर वाले का रेडियस कितना है थ्री आर और द पोटेंशियल एट द सेंटर इज पूछा गया के वैल्यू दे रखे हमको यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे बोला क्या है मैं आपको पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक स्वेयर है हॉलो स्फेयर है जिसका इनर रेडियस जो है आर है एंड आउटर रेडियस जो है थ्री आर यानी कि बहुत थिक यानी कि मोटा सा स्वेयर है जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए यहाँ पे तो ये अपने पास इनर रेडियस में मान लेता हूँ इसका और इसी के बाहर एक आउटर रेडियस होगा एक मोटा सा थिन स्पेयर है अपने पास राइट अब जो इनर रेडियस है उसको मैं आर कह देता हूँ उन्होंने ये वाला जो सरफेस है उनका इनर रेडियस कितना कहा है आर का है एंड जो आउटर रेडियस होगा ये वाला वो कितना कहा है उन्होंने थ्री आर का है अब नेक्स्ट क्या है कि जो एक चार्ज है प्लस का क्यू वो आर बाई थ्री पे रखा गया यानी कि सेंटर से आर बाई थ्री यानी कि आर से भी छोटा राइट तो अंदर में ही कहीं रखा गया तो यहां पे हम यहां पुट कर देते हैं इसको यहां पे जो मैं नीला मार्क कर रहा हूं यहां पे प्लस का क्यू चार्ज पुट कर देते हैं और ये डिस्टेंस कितना माना जाएगा जो ब्लू पेन से कर रहा हूं वो आर बाई हो जाएगा आपके पास राइट अब देखो तो जैसे हम चार्ज अंदर में प्लेस करेंगे तो होगा क्या इसकी वजह से इंडक्शन हो जाएगा अब इंडक्शन किसका इसका होगा देखो यहां पे मैं इस पॉइंट को ए कह देता हूं ए वाले पॉइंट पे प्लस का क्यू चार्ज रखा है तो जो इनर वाला सरफेस है उस पर माइनस का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा क्योंकि इंडक्शन तो अपोजिट साइन का होता है ना तो प्लस चार्ज था तो जो इनर वाला रेडियस होगा उस, उस कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा माइनस का क्यू इंडा तो मैं मार्क कर देता हूं बी वाला पॉइंट कह देता हूं उसको बी वाले पॉइंट पर कितना चार्ज इंड्यूस हुआ माइनस का क्यू और इस माइनस के क्यू की वजह से आउटर सर्फेस पे भी इंडक्शन हो जाएगा जिसको मैं यहां पर मार्क कर देता हूं यहां पर हमने थ्री मार्क किया यहां पर अब कितना होगा प्लस का क्यू क्योंकि अपोजिट साइन राइट राइटर के अंदर जो हमारे पास चार्ज था वो प्लस का क्यू था तो जो इनर बाउंड पे का क्यू एंड जो आउटर कि प्लस का क्यू अब जो नेट पोटेंशियल होगा सेंटर पे वो इन तीनों की वजह से होगा तो हम तीनों की निकाल के, और फिर एड कर देंगे तो मैं लिखता हूँ तो सबसे पहले ए वाले पॉइंट की वजह से जो अंदर वाला स्पेयर है ना तो मैं उसकी वजह से पोटेंशियल लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ए वाला चार्ज ए वाला चार्ज कितना है प्लस का क्यू तो पोटेंशियल का फॉर्मला क्या होता है वाला फॉर्मला होता है अपने निकालेंगे तो वी ए कितना आएगा प्लस का चार्ज है तो प्लस का के क्यू अपॉन में डिस्टेंस डिस्टेंस कितना है आर बाई थ्री तो यहाँ पे ले लेंगे आर बाई थ्री अब ये थ्री कहां चला जाएगा ऊपर तो वी आपका वो कितना आएगा के क्यू अपॉन में आर और यहाँ पे थ्री ऊपर आ गया तो यानी कि थ्री तो ये हमारे पास वी ए निकल गया ऐसे करके वी बी निकाल लेंगे फिर वी सी निकाल लेंगे तो चलिए मैं वी बी बी निकालता हूँ यहाँ पे बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी वाला चार्ज क्या है माइनस का तो सबसे पहले माइनस ले लेंगे के क्यू चार्ज था अपॉन में दूरी कितना है यानी कि ये तो आर ही है ना ये सेंटर और माइनस के क्यू का चार्ज जो दूरी है ये वाला वो कितना है आर ये तो यहां पे ले लेंगे सिर्फ आर तो ये हो गया अपने पास पोटेंशियल ड्यू टू माइनस वाला चार्ज यानी कि बी वाले पॉइंट की वजह से तीसरा हम क्या निकालेंगे वीसी वी सी मतलब क्या है ये वाला बाहर वाला बाउंड्री जो है उसको हम c वाला पॉइंट मान लेता हूं vc निकालेंगे यानी कि बाहर वाले चार्ज की वजह से वो कितना हो जाएगा k प्लस का चार्ज है इसलिए प्लस का q अपॉन में दूरी दूरी कितना है सेंटर और चार्ज के बीच में वो है 3r आउटर बाउंड्री तो 3r है ना तो यहाँ पे ले लेंगे 3r ये हो गया अपने पास पोटेंशियल ड्यू टू आउटर बाउंड्री तो तीनों अब तीनों चार्ज की वजह से हमने पोटेंशियल निकाल लिया अब नेट पोटेंशियल कैसे निकालेंगे तीनों को एड करके सिंपली है ना क्योंकि पोटेंशियल जो है स्केलर क्वान्टिटी और नॉर्मली एड हो जाता है तो यहां पर लिखा जाएगा वी ए प्लस में वी बी प्लस में वी सी राइट हमें यहां पे दोनों को ऐड कर देते वैल्यू पुट कर देते हैं वी ए कितना निकला था हमारा थ्री के क्यू बाई आर ये यहां पे लिख देते हैं थ्री के क्यू बाई आर प्लस में वी भी कितना निकला था ये माइनस का था ये तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का साइन हटा देता हूं यहाँ पे डायरेक्टली प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इसलिए माइनस लिख देता हूँ माइनस का के क्यू अपॉन में आर और तीसरा क्या था अपने पास वी वो था प्लस में है ये तो प्लस में के क्यू अपॉन में थ्री आर लिख देंगे अब देखो यहां से जल्दी से पहले कॉमन ले लो आप कॉमन क्या क्या आएगा अपने पास कॉमन आ जाएगा यहाँ लिख देता हूँ वी नेट इज इक्वल टू कॉमन आएगा के क्यू बाई आर के क्यू बाई आर कॉमन आ जाएगा तो के क्यू बाई आर कॉमन ले लिया हमने बच क्या जाएगा यहाँ पे सिर्फ थ्री बच जाएगा थ्री यहां पे सिर्फ वन बच जाएगा माइनस का वन और यहां पे सिर्फ वन बाई थ्री बच जाएगा प्लस में वन बाई थ्री राइट अब मैं इसी को आगे सॉल्व कर देता हूं तो यहां पे कितना आएगा के क्यू बाई आर का के क्यू बाई आर तो रहेगा ही रहेगा थ्री माइनस वन गया तो टू बच जाएगा तो टू प्लस में वन बाई थ्री राइट अब इसी को एल्शियम लेके सॉल्व कर देंगे तो ये एज्क टू में आएगा के क्यू अपॉन में आर और एल्शियम लेंगे तो कितना आएगा एल्शियम थ्री आ जाएगा ये थ्री टू जैसिक्स है ना मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री टू जाए यहाँ से हो जाएगा प्लस में वन इट विल बी हो जाएगा यानी कि जो फाइनल पोटेंशियल आ रहा है हमारा बी नेट वो कितना आ रहा है सेवन बाई थ्री बनने ना ये ये बन जाएगा सेवन बाई थ्री तो हम सबसे पहले नंबर को लिख देंगे सेवन बाई थ्री और के क्यू बाई आर तो था ही, के क्यू बाई आर था अपने पास तो नेट पोटेंशियल जो निकलेगा सेंटर पर वो कितना निकलेगा सेवन बाई थ्री के क्यू बाई आर तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा होगा फर्स्ट राइट right? तो so, गांव वालों अब मिलेगा आपको एक और क्वेश्चन जो कि आपको अगली वीडियो अपलोड होने से पहले बिना इंटरनेट की मदद के सॉल्व करना है और अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि यस भैया मैंने कर लिया राइट right? ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट चैलेंज एंड गांव वालों मस्ट लाइक दिस वीडियो एंड मस्ट शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड हर उस बच्चे के साथ शेयर करो जो नीट और जेई का एग्जाम देना चाहता है उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और माइंड एकदम से बूस्टर हो जाएगा यानी कि कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाएगा तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ तब तक के लिए